नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल के मामले में एक आज कहावत जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कहावत है टू डाल डाल में पात पात, मतलब वो समझ में आ जाएगा आज अभी इसी वीडियो में। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी अमित शाह के परिप्रेक्ष्य में जहां डाल डाल और पात पात की बात यहां पर ममता बनर्जी के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है और डाल डाल की बात यहां पर अमित शाह और मोदी के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। आप जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और वो हर फोन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम जो यहां वीडियो दिखाने जा रहे हैं ममता बनर्जी कैसे ममता बनर्जी आखिरकार आज पश्चिम बंगाल में जो इतनी पकड़ बनाई है वो जो ही नहीं है, दिमाग का खेल है। जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी और मुखर्जी जितने लोग हैं उनके यहां पर जो नेता हैं, जिनके ऊपर करोड़ों का इस तरह से गबन का मामला आया, जहां कैश का मामला आया है, उन सबके बीच में ममता बनर्जी एक तरफ से इस तरह से खेला खेलती हैं, सीधे तौर पर पूरा का पूरा खेल पलटने का यहां पर इस समय ये लगता है होबा रख रही है। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि कैसे पूरा का पूरा बंगाल का नक्शा बदल दिया है और कैसे जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वही आज पश्चिम बंगाल में कर दिया। लेकिन ये ममता बनर्जी ने ये क्या 2024 के चुनाव का जो ओपिनियन पोल आया है उसके डर से ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि ये फैसला सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में शायद बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में ये नक्शा बदला गया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर एक बार फिर से, आपकी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका पूरा का पूरा खेल क्या है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 1 अगस्त कैबिनेट की बैठक में धड़ाधड़ फैसले लिए हैं। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब आप कहेंगे जिले बनाने की घोषणा की है, 7 नए जिले, और वो भी समझिए आगे का खेल। मीडिया से बातचीत में साफ कहा है कोई भी मंत्री ऐसा कार्य ना करे जिसमें मंत्रिमंडल का सम्मान हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदिया में राणाघाट मुर्शिदाबाद जिले को अलग कर बहरामपुर कादी उत्तर प्रदेश उत्तरी परगना को करकर बसीरहाट और सुंदरवन बाकुड़ से विष्णुपुर नए जिला के बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले बंगाल में 23 जिले थे, उसे बढ़ाकर 30 जिले कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सी चीजें के बाद एक समझ में आने लगेंगे। ये देखिए, ये एनआई ने ट्वीट किया है, अर्लियर देयर वाज 23 डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 30। द 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड सुंदरबन, इच्छामती, रंगघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर एंड वन मोर डिस्ट्रिक्ट विल बी नेम्ड इन बसीरहाट। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी जी। अब इसमें 7 जिलों को जोड़ा गया है। आप कहेंगे 7 जिलों को, मैं आपको बता दूं 7 जिलों को जोड़ने का मकसद यही था, जहां सिर्फ महज 23 जिले थे और 23 जिले में 7 जिलों को जोड़ दिया गया, मतलब आप समझते हैं लगभग अगर हम बात करते हैं तो 33% के आसपास, 32% 30% के आसपास जिलों को बढ़ा दिया गया है। मतलब समझिए कितना बड़ा यह फैसला है, पूरी तरह से डेमोग्राफी के हिसाब से वोटिंग को राय को लेकर के जिस तरह से विधायक और सांसद आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो सारे खेल को वहां पलट दिया है। कितने सांसद आएंगे, कितने विधायक आएंगे, 2024 को लेकर के यह सबसे बड़ा एक तरह से मास्टर स्ट्रोक अब यहां पर हम ममता बनर्जी का भी कह सकते हैं। दीदी आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव के दौरान दीदी क्यों कह रहे थे, और वो दीदी एक पैर को तोड़वा करके फुटबॉल तक खेल डाला और आखिरकार 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो किस तरह से जीत लिया। और यहां पर आज फिर से उस ममता बनर्जी ने आज यहां पर खेला कर दिया, ये बड़ा खेला है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आज मैं ममता बनर्जी की बड़ाई कर रहा हूं, हो सकता है मेरी वीडियोस देख करके आपको लग रहा होगा कि मैं ममता बनर्जी का धुर विरोधी हूं, ममता बनर्जी की बुराई कर रहा हूं, क्योंकि ममता बनर्जी जब भी मैं खबर शुरू करता था हमेशा कहता था जय श्री राम करके करता था, लेकिन आज यहां पर मैंने जय श्री राम से स्टार्ट भी नहीं किया और पूरे वीडियो मैंने ममता बनर्जी की बड़ाई की है। आपको बता दूं ममता बनर्जी की बड़ाई या बुराई से नहीं, यहां पर खबर जो है वो खबर वाकई में ममता बनर्जी को अब शायद बीजेपी क्या आंकने में कम कर रही है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो इन
दिनों जिस तरह से उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों में उसको धराशायी किया है, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बड़ी तेज से वहां बढ़त बना रही है, लेकिन ये 7 जिलों बढ़ाने का मतलब है 33% जिलों का यहाँ पर सीधे तौर पर बढ़ाना, ये सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी बता सकते हैं आपको। सबसे आम बात इसमें बता दें कि इन सबके बीच में पहले जो 23 जिले थे, अब 30 जिले करने पर भाजपा का भी बयान आ गया है। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी 7 नए जिले की घोषणा और कैबिनेट में फेरबदल, एसएससी सरची शिक्षक भर्ती घोटाले को लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास मात्र है। उन्होंने सवाल किया कि सीएम बताएं कि पहले ऋण के बोझ में दबा राज्य जो नए जिलों के गठन और उनके चलाने का खर्च कहां से लाएगा। परेश अधिकारी अभी भी जो अधिकारी भी परेशान है कि उनके कैबिनेट में भी हैं, उनके सिर्फ नए चेहरों को शामिल करने की घोषणा जो है करने का घोटाला से दाग नहीं मिटेगा। ये ट्वीट, ये बात बीजेपी के जो है जो वहां के वो है नेता है उन्होंने कही, बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कही है। इस बीच सीएम तृणमूल कांग्रेस जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संगठन में भी कई बड़े बदलाव किए हैं, इसकी घोषणा की है, कई जिला अध्यक्षों के नाम भी की घोषणा वहां पर करी गई है और बहुत सारे यहां पर बदलाव यहां पर देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने देखा होगा कि डेमोग्राफी को लेकर मैं अभी बात कर रहा था कश्मीर की, कश्मीर में किस तरह से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में किस तरह से जब वहां परसीमन हुआ तो परसीमन को लेकर के वहां पर सीटों का गढ़ा बढ़ा हुआ था। अब ये समझिए कि अगर जिले बढ़े हैं तो जिलों में क्या होते हैं, विधायक और सांसद किस तरह से होते हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी अपने अपने अनुसार वहां पर इन्होंने साफ तौर पर सारा को सर्वे कराया होगा। सर्वे कराने के बाद जिलों की नए जिलों की घोषणा साफ तौर पर दर्शाता है कि ये ममता बनर्जी ने अपनी हिसाब से यहां पर बैटिंग करने के लिए पिच बनाई है, जिस पिच पर वो जब भी खड़ी हो और आकर के सिक्सर मारना शुरू करें। शायद ममता बनर्जी ने अब यही कारण है ये बंगाल का नक्शा बदलने के लिए। लेकिन इस बार हम एक चीज और कहेंगे, जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जो अभी हाल फिलहाल में जो इतनी बड़ा घटनाक्रम हुआ है जहां उनके खुद के मंत्री, उनके बड़े भाई जिसको पार्थ कहते थे बड़े भाई, आज पकड़े गए हैं। 5000 करोड़ मामला जो 5000 करोड़ तक का जा रहा है ये टीचर भर्ती घोटाले में, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन साफ हो सकता है कि ये बात वाकई में ध्यान भटकाने वाली हो, लेकिन एक बात तो जरूर है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टेंशन या चिंता बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि जिलों का सीधे तौर पर 7 जिलों को बढ़ना, क्योंकि 23 जिले थे उसमें 7 जिलों का बढ़ाना बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ा निर्णय है। और ये निर्णय सीधे तौर को वहां की जनता, वहां के चुनाव को लेकर के कितना बोझ बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, ये तो आम जनमानस के ऊपर होगा, सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन इसका असली इम्पैक्ट जो आएगा, असर जो आएगा, आम जनता जिनको नया जिला मिला होगा बहुत खुश होगी, वो सोच रही होगी पहली बात कि हमें नया जिला ममता बनर्जी ने दिया है, तो वो 7 जिले हो सकता है, उन 7 जिलों का जो सर्वे अभी आए उन 7 जिलों में हो सकता है जो एरिया थे वहां ममता बनर्जी की पैठ ना रही हो, तो ममता बनर्जी ने सोचा कि कुछ नया दिया जाएगा, उनको जिले का नाम दे दिया गया, तो हो सकता है उन जिलों में वहां पर ममता बनर्जी अपना पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट डाल पाए। हालांकि ये बाद में सर्वे बता पाएंगे इस सब चीज के लिए कि आखिर क्या होता, लेकिन ये यकीनन ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में ही देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।